बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करने के इरादे से आज भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश का सामना करेगी हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। भारत का इरादा बहुत साफ है कि बांग्लादेश का बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देना है। दो T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम बांग्लादेश को शिकस्त दे चुकी है और बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर है। लेकिन बांग्लादेश टीम के भी कुछ इरादे हैं और उसका इरादा है कि भाई दौरे का ये आखिरी मैच है तो कम से कम एक जीत के साथ तो वापस अपने देश लौटे। तो क्या बांग्लादेश अपने इरादे में सफल होगा या भारत की टीम अपने इरादे में सफल होगी, आज इसी पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाना है। भारतीय टीम का इरादा बहुत साफ, बांग्लादेश का क्लीन स्वीप। बांग्लादेश का इरादा कि कम से कम एक जीत के साथ स्वदेश रवानगी हो। लेकिन देखिए, अगर आप दोनों टीमों की तुलना करने जाएं तो भारतीय टीम जो है वो बांग्लादेश से वे अहेड है और भारत का जो कूटो क्रिकेट चल रहा है उससे बांग्लादेश की टीम बिल्कुल दब सी गई है और उसका जवाब बांग्लादेश की टीम के पास नहीं है। लेकिन भारतीय टीम ऑलरेडी ये सीरीज जीत चुकी है, 2-0 की अजेय बढ़त उसके पास है। तो ऐसे में यह हो सकता है कि आज तीसरे T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम प्लेइंग 11 के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करे। अब एक्सपेरिमेंट करे तो क्या करे, तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ को प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं और वो आते हैं तो किन खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ेगा, तो देखिए, रवि विश्नोई जो कि भारत के प्रीमियर लीग स्पिनर T20 इंटरनेशनल में थे इस सीरीज से पहले, वो बेंच पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अवसर उन्हें दिया जा सकता है और अगर उन्हें अवसर दिया जाएगा तो यह हो सकता है कि जो मिस्ट्री बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती, उन्हें आज के मैच से विश्राम दिया जाए। इसके अलावा हर्षित राणा जो कि ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलर हैं, अब वो भी टीम में अंदर आने के लिए दरवाजा नॉक नॉक कर रहे हैं, तो क्या वो अंदर आएंगे और अगर वो अंदर आते हैं तो किसकी जगह आएंगे, मयंक यादव या अर्शदीप सिंह, इन दोनों में से किसी एक की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि मयंक यादव प्योर फास्ट बॉलर हैं तो और लगातार उन्होंने दो मैच खेला है तो उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, तो हर्षित राणा की टीम में एंट्री हो सकती है। इसके अलावा देखिए, तिलक वर्मा हैं, वो भी टीम में आने के लिए मचल रहे हैं, अब बेंच पर बैठे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी बेहतरीन है T20 इंटरनेशनल में, तो तिलक वर्मा भी अपनी एंट्री चाहते हैं। अब अगर वो आते हैं तो किन की जगह पर आएंगे, क्या हार्दिक पांड्या विश्राम लेंगे या आपको रिंकू सिंह विश्राम लेंगे या वो वाशिंगटन सुंदर की जगह जो है टीम में एंट्री मारेंगे, ये देखना होगा। और अगर जितेश शर्मा आएंगे तो वो नेचुरली संजू सैमसन के जगह पर ही आएंगे क्योंकि संजू सैमसन विकेट कीपर है। तो ये टीम में कुछ फेरबदल की संभावना भारत की तरफ से। बांग्लादेश की टीम के लिए देखिए, महमदुल्ला का ये आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच है, उसके बाद वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो जो बांग्लादेश की टीम है वो चाहेगी कि उनका जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उनका उनके फेयरवेल पर उनको एक मैच जीत कर दिया जाए, इसलिए बांग्लादेश की टीम पूरा जान जो है वो आज के मैच में लगाने वाली है। भारतीय टीम के लिए अगर हम चिंता की बात करें, बहुत कम है इस सीरीज में, लेकिन जो एक चिंता है वो ये है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ये दोनों अभी तक उस तरह से स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो दोनों से रन की दरकार है। खास करके अगर संजू सैमसन मैच खेलते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए और टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए भी ये जरूरी है कि संजू सैमसन एक बड़ा स्कोर करें।
दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम के लिए जो तनाव है वो उसके स्पिनर्स हैं, क्योंकि स्पिनर्स खासे महंगे साबित हो रहे हैं। दूसरे T20 इंटरनेशनल में जो स्पिनर्स ने 8 ओवर फेंके थे उसमें भारत ने 115 से ज्यादा रन बनाए थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि मेहदी हसन मिराज तो टीम में है ही, एक और मेहदी हसन जो बाहर बैठे हैं उनको टीम में शामिल किया जाए और गेंदबाजी को, स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा मजबूत किया जाए। तो देखते हैं कि बांग्लादेशी कप्तान और क्या फैसले लेते हैं। देखिए एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो लिटन दास हो, शांतो हो, तौहीद हृदय हो, इन्हें रन बनाना होगा जो कि अब तक इस सीरीज में नहीं बना पाए हैं। लिटन दास कुछ एक शॉट्स अच्छा लगाते हैं फिर सडनली आउट होकर वापस चले जाते हैं, शांतो पैचेस में अच्छे दिखे हैं लेकिन काम उससे चलेगा नहीं। महमदुल्ला ने पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी, उनसे एक उसी तरह की पारी की उम्मीद होगी कि अपने फेयरवेल मैच में वो एक अच्छी पारी खेलकर अपनी टीम को दे। तो दोनों तरफ के इरादे बहुत साफ है, भारत का इरादा बिल्कुल साफ, बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करना है और वो किसी टीम पर कोई रहम नहीं करती, तो वो बांग्लादेश के ऊपर भी तीसरे मैच में कोई रहम नहीं करने जा रही। जिस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरेगी अप्रोच में कोई चेंज नहीं हो सकता। टीम प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है लेकिन अप्रोच में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम को डटकर मुकाबला करना होगा और अगर वो महमदुल्ला को एक गिफ्ट देना चाहते हैं उनके आखिरी मैच में जीत के साथ तो उसके लिए उन्हें उन जिम्मेदारियों को उठाना होगा जो कि सीनियर खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है। तो देखना है क्या होता है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके तस्कीन अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रहे हैं। हमें आज के मैच का इंतजार है, उसके परिणाम का इंतजार है और भारत के कूटो क्रिकेट का आनंद लेने का भी इंतजार है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।